प्रभाज किचन में आप लोगों का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मेथी मटर मलाई। तो चलें आज एंजॉय करते हैं इस सब्जी के साथ। मेथी मटर मलाई बनाने के लिए देखिए हमको क्या क्या चाहिए। ये हमने एक कटोरी मेथी के पत्तों को ले लिया है। इसको हमने अच्छे से धुल करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। एक कटोरी हमने ये हरी मटर लिया है, इसकी जगह आप ग्रीन वैली मटर भी ले सकती हैं। और एक कटोरी हमने मलाई ले लिया है, क्योंकि ये मीठी मटर मलाई है इसलिए मलाई तो डालना ही डालना है। और ये दो हमने टमाटर ले लिया है, इसको बड़े टुकड़ों में काट लिया है। और एक चम्मच हमने देसी घी लिया है, इसकी जगह आप बटर भी ले सकती हैं। और ये नमक है, नमक स्वाद के अनुसार डालना है। और ये हमने 7 से 8 काजू ले लिया है। अगर आपके पास काजू नहीं है तो मत लीजिएगा, तो कोई ज़रूरी नहीं है। और ये एक टुकड़ा अदरक का ले लिया है, इसको भी हमने इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है। और ये दो हरी मिर्च है, इसको भी हमने टुकड़ों में काट लिया है। और ये 8 से 10 काली मिर्च है। ये दो बड़ी इलायची है, ये 2 से 3 हरी इलायची छोटी वाली इलायची है। और ये 4 लौंग है, और ये एक तेज पत्ता है, और थोड़ा सा पानी है। तो चलिए आज हम बनाते हैं मेथी मटर मलाई। सबसे पहले हम गैस पे पैन रख देंगे और उसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। अब इसी में हम ये अपना जो टमाटर लिया है इसको डाल देंगे, और ये सारे मसाले भी इसमें डाल देंगे। ये हमने काजू डाल दिया, और ये अदरक डाल देंगे, मिर्ची को भी डाल देंगे, और ये तेज पत्ता भी डाल दिया, इलायची वो काली मिर्च भी चला गया, ये लौंग है, ये बड़ी इलायची है, और ये छोटी इलायची। सबको डाल के हमें इस तरह से मिला देना है। अब इसे हमें ढक करके 2 से 3 मिनट तक पकाना है। पकते हुए 3 मिनट हो गए। अब हम अपना टमाटर देख लेते हैं खोल करके। ये देखिए कितना बढ़िया जो है टमाटर गल गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद इसको हम पीस लेंगे। अब गैस पर हम एक कढ़ाई चढ़ा देंगे और उसमें हम थोड़ा सा घी डाल देंगे। अब ये जो हम मेथी काट के रखे हुए हैं इसको हम इसमें डाल देंगे। गैस हमारी इस समय एकदम धीमी रहेगी। अब इसको अच्छे से भून लेंगे जब तक इसका पानी नहीं सूख जाएगा। जब तक हमारी मेथी पक रही है तब तक हम अपनी त्यूरी बना लेते हैं। टमाटर हमारा ठंडा हो गया है। अब इसमें से हम ये जो तेज पत्ता है इसको निकाल देंगे, और ये जो बड़ी इलायची हमने डाली है इसको भी हम निकाल देंगे। बाकी सारी चीजों को हम ये एक मिक्सी का जार ले लेंगे और उसी में डाल करके पीस लेंगे। प्यूरी हमारी तैयार हो गई है। अब हम अपना मेथी देख लेते हैं। मेथी हमारी अच्छे से पक गई है। अब हम एक प्लेट ले लेंगे और उसमें निकाल लेंगे। और प्यूरी में हमने बड़ी इलायची निकाल दिया, तो आप जरूर सोचेंगे ना कि क्यों निकाल दिया, क्योंकि ये बड़ी इलायची जब हम उसमें मसाले में पीसते हैं तो मेरी प्यूरी जो है खाली पड़ जाती है, इसीलिए मैंने छोटी इलायची उसमें डाला है ताकि वो उसका स्वाद उसका फ्लेवर आ जाए, और बड़ी इलायची का थोड़ा बहुत फ्लेवर उसमें आ जाएगा, इसीलिए हमने उसको पानी में डाल के पकाया है। अब ये उसी कढ़ाई में हम फिर से ये जो घी बचा के रखा हुआ है इसको इसमें हम डाल देंगे। घी हमारा गर्म हो गया है, इसी में हम ये जरा सा आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच से कम हींग डाल देंगे। अब इसी में हम ये अपनी प्यूरी डाल देंगे।
और जरा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे, बहुत जरा से हमें डालना है, ज्यादा नहीं, आधा चम्मच से कम हल्दी पाउडर डाल देंगे और जरा सा लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। लाल मिर्च पाउडर आपके ऊपर है, अगर आपको इच्छा हो तो डालिए, नहीं तो ना डालिए, हम बस बता दे रहे हैं क्योंकि बहुत लोग नहीं खाते हैं। अब हमें ये प्यूरी थोड़ी देर भूननी है। ये प्यूरी हमारी अच्छे से उबलने लगी है। अब इसी में हम ये जो मटर रखे हुए हैं डाल देंगे। मटर ऐसे तो उबाल के डालना चाहिए, लेकिन हम इसी प्यूरी में ही पका लेंगे। तो इसको अब हम अच्छे से चलाते हुए, गैस हमारी मीडियम पे रहेगी, और इसको चलाते हुए हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये मसाला जो है घी ना छोड़ने लगे, तब तक हमें अच्छे से पकाना है। ये हमारा मसाला, ये देखिए अच्छे से भुन गया है, ये कढ़ाई छोड़ने लगा है। अब हम इसमें मलाई डाल देंगे। मलाई आप कम भी डाल सकती हैं, इससे ज्यादा भी थोड़ा सा डाल सकती हैं, क्योंकि बहुत लोग मलाई पसंद करते हैं ज्यादा, बहुत लोग नहीं पसंद करते हैं, तो आप उसी हिसाब से डालिएगा। अब इसको हमें चलाते हुए थोड़ी देर और भूनना है, जब तक कि अच्छे से ये मलाई चारों तरफ से घी ना छोड़ दे। मसाला भूनने में हमें करीब 5 मिनट लगा है। ये देखिए मलाई भी हमारी अच्छे से भुन गई है, इस तरह से देखिए घी छोड़ने लगी है। अब इसमें हम ये जो मेथी भून के रखे हुए हैं इसको डाल देंगे इसमें, और धीमी आंच पे 2 मिनट के लिए पकाएंगे। बहुत ही अच्छी सब्जी होती है ये, इसमें मसाला कुछ भी नहीं पड़ता, मसाला तो इतने अच्छा ही नहीं लगता है। देखिए हमने मसाला कुछ भी नहीं डाला है, लेकिन बहुत रिच होती है, आप शादियों पार्टियों में खाते होंगे। ये देखिए पकते हुए 2 मिनट हो गया है, ये बहुत अच्छी तरह से सब एक दूसरे में मिल गए हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है इसमें। अब हम इसमें नमक डाल देंगे, नमक हमें स्वाद के अनुसार डालना है। देखिए कितना सुंदर कलर आया है इसका। अब गैस धीमी कर देंगे और इसको ढक देंगे, 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। सब्जी को पकते हुए 5 मिनट हो गया, अब इसको हम खोल करके देख लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, अब इसको हम चला देते हैं। वाह क्या महक है, मजा आ गई। आप लोगों को हम खिला नहीं सकते हैं, बस यही अफसोस है। अब ये सब्जी तैयार हो गई है, अब इसमें हम धनिया की पत्ती डाल देते हैं। और अच्छे से मिला देते हैं। ये लीजिए हमारी मेथी मटर मलाई बनके तैयार हो गई है, बहुत ही आसान तरीके से बनाया है हमने। अब हम गैस बंद कर देंगे, तो चलिए आप लोग भी इसको ट्राई कीजिए और बनाइए, बहुत अच्छा लगेगा। इस समय तो मटर बहुत सारी आ रही हैं, तो चलें आप लोग एंजॉय करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कमेंट लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, गुड डे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये सब्जी किस तरह से बनी है।